नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आंवला यानी इंडियन ग्रॉसबेरी के पौधे अपने घर पर किस प्रकार तैयार करें, वो भी बीज से। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आंवले के पौधे बीज से तैयार करने के लिए आपको चाहिए कुछ आंवले। और जब भी आप आंवले लें, कच्चे आंवले ना लें, आप पके हुए आंवले लें। और पके हुए आंवले की पहचान ये है, जब आपके जो आंवले हैं अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएं तो समझ लीजिए जो आपके आंवले जो फल हैं वो पक चुके हैं। और पके हुए आंवले से अगर आप बीज लेंगे तो जो आपके बीज हैं अच्छी तरीके से जर्मिनेट होंगे। और अगर आप कच्चे आंवले से अगर बीज लेंगे तो वो बीज हैं जर्मिनेट आपके नहीं होंगे। तो आंवले को काटकर कुछ इस प्रकार उसके जो सीड पॉट हैं निकाल लें, इसमें जो आंवले के बीज हैं पाए जाते हैं। तो इसको लगभग आप 4 से 5 दिन अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें और धूप में सुखाने के बाद इसके जो बीज हैं आप निकाल लें। तो ये हमने कुछ आंवले के सीड पॉट लगभग 4 से 5 दिन अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है और सुखाने के बाद अब इनके जो इसके जो बीज हैं आंवले के इसमें निकलते हैं। और एक आंवले के फल में लगभग हमको 3 से 4 बीज आंवले के मिल जाते हैं। तो चलिए इसके जो बीज हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, आंवला एक औषधि पौधा है और आंवला खाने के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आंवला के बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आंवला का पाउडर, आंवला का मुरब्बा और आंवला का अचार। तो ये दोस्तों, हमने ये कुछ आंवले के बीज निकाल लिए हैं और इन बीजों को अब चलिए हम मिट्टी में लगा लेते हैं। आंवले के बीज को मिट्टी में लगाने के लिए जो हमने मिट्टी तैयार की है, इसके लिए जो हमने मिट्टी ली है, हमने 50% कोकोपीट ली है और 50% इसमें हमने नॉर्मल सॉइल मिलाई हुई है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो इन बीजों को आप नॉर्मल मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। और जब भी इनके आप बीज लगाएँ तो एक बीज से दूसरे बीज की दूराई बना के रखें, इनको आप ओवरलैपिंग ना करें। अगर इनको आप ओवरलैपिंग करेंगे जो आपके पौधे हैं हेल्दी ग्रोथ नहीं लेंगे। आंवले के सभी बीज लगाने के बाद इन बीजों को आप जो पॉटिंग मिक्स हमारी जो बची हुई है उनसे आप कवर कर दें, जिससे कि जो आपके बीज हैं ढक जाएँ। और इसके बाद इस पॉट में आप पानी दे दें। पानी देने के बाद इस पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इस पॉट को लगभग जो सुबह की रोशनी है 2 से 3 घंटे की मिल सके। दोस्तों, लगभग ही हमारे 3 महीने बाद का अपडेट है और कुछ हमने आंवले के बीज इस पॉट में लगाए हुए थे और इस पॉट में हमारे ढेर सारे जो आंवले के पौधे हैं ग्रो हो चुके हैं। अब इन आंवले के पौधे को आप सेपरेट कर दें, सेपरेट करके किसी अच्छे बड़े गमले में लगा दें या इनको आप ज़मीन पर लगा सकते हैं। अगर आप आंवले के जो पौधे हैं बीज से तैयार करते हैं तो जो बीज से तैयार किए हुए जो पौधे हैं उसमें जो आपको फल हैं लगभग 4 से 5 साल बाद उसमें आपको फल मिलेंगे। अगर आपको चाहिए आंवले के पौधे से जल्दी फल तो आप ग्राफ्टेड ही जो आंवले का पौधा अपने घर पर लगाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।